हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना इंग्लिश का एग्ज़ाम है और इंग्लिश का आपका फाइनल एग्ज़ाम है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। मैं आपको बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम में मिड टर्म का भी आएगा, फाइनल टर्म का भी आएगा। तो आपको क्या क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। आपको एक पोएम करनी है, अ हाउस अ होम, आप ध्यान से करना। होम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हाउस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो वर्कशीट लिखी हुई है ना, ये सारी वर्कशीट आप कर लेना। और आपको यहाँ पर लिखा ना क्लास थर्ड क्लास फोर्थ, अगर आप क्लास थर्ड क्लास फोर्थ की बुक नहीं भी लेते हैं कोई बात नहीं, इसमें जो टॉपिक लिखे हैं वो कर लो। मतलब इज का लगाते हैं, एम का लगाते हैं, आर का लगाते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बी का लगाते, डू का लगाते, हैव का लगाते, ये आपको पता होना चाहिए। आपको नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप तो पता होने चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन कहते कैसे हैं। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो राम के नीचे मैंने अंडरलाइन डाल दिया, तो बताओ राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। जो किसी का नाम होता है ना उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और मान लो अगर मैंने बॉय के नीचे अंडरलाइन कर दिया तो बॉय कौन सी नाउन होगी? अब देखो बॉय बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो उसे कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला काओ, बहुत सारी काओ हो सकती है, तो वो कॉमन नाउन है। मैंने बोला शर्ट, तो बहुत सारी शर्ट हो सकती है, वो क्या है? कॉमन नाउन है। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। आपके कोर्स में राइमिंग वर्ड भी आ रहे हैं, राइमिंग वर्ड आपको आते हैं, जैसे हार्ड का, यार्ड, फ्लोर्स का, डोर्स, तो जो इसमें लिखे ना सिलेबस में वो सारे भी राइमिंग वर्ड कर लेना। आपके कोर्स में ये भी है कि पांच चीजें बताओ जो बेडरूम में पाई जाती है, या पांच चीजें बताओ जो लिविंग रूम में पाई जाती है। यहाँ पे ना मेंशन भी किया गया कि बेडरूम में पाई जाने वाली चीजें कौन सी है, जैसे मैट्रेस है, शीट है, स्मॉल टेबल है, तो आप यहाँ से भी आंसर उतार सकते हैं। ऐसे लिखा है लिविंग रूम में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो आर्म चेयर, ब्लैंकेट, टेलीविजन, बाथरूम, ये यहाँ बता रखा है बाथरूम में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो आप अच्छे से एक एक चीज करना। और यहाँ बता रखा है कि पैराग्राफ कौन सा है, माई फेवरेट वर्ड। वैसे जो फाइनल टर्म वाले दे रखे हैं ना पैराग्राफ लेटर, वो ज़्यादा करना, पर ये मत सोचना कि फर्स्ट टर्म का नहीं आ सकता, वो भी आएगा, तो आप माय फेवरेट वर्ड भी अच्छे से कर लेना। फिर आपको लेसन करना है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, बच्चे मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहे, मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर में से भी काफ़ी कुछ आ रहा है, तो आप मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो क्लास थर्ड में आपको जो सफिक्स लगाने के लिए आती थी ना, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ईआर का लगाना है, जैसे ब्यूटी प्लस फुल तो ब्यूटीफुल, क्लेवर जमा एलवाई क्लेवरली, तो इस तरीके से आपको सफिक्स और प्रीफिक्स आने चाहिए। आपको जो है प्रपोजिशन भी करनी है, ठीक है, आपको सफिक्स प्रीफिक्स भी करनी है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे कौन कौन सी करनी है, तो अभी देख लेना। प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दे रखी है, ये आप कर लेना। अपोजिट वर्ड आपके कोर्स में आएंगे, नाउन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारी नाउन आप अच्छे से कर लो, कोई भी नाउन छोड़ना मत, ठीक है। और टी वाई का लगाना, आई टी वाई का लगाना, नेस का लगाना है, तो ये भी आप अच्छे से करेंगे। तीनों वर्ब की जो फॉर्म होती है, जैसे प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। थर्ड क्या होती है? प्लेड। तो तीनों जो फॉर्म है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, जैसे गो, वेंट, गोन। फॉर्म में लेटर कौन सा बता रखा है? 2 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन जरूर कर लेना। ये मैंने मिड टर्म का एक्सप्लेन किया, मिड टर्म का तो आपको करना ही करना है, और आगे और क्या करना सुन लो। आपको पोएम करनी है द काइट, ठीक है, वर्कशीट ये दे रखी है। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब करना है, प्रपोजिशन मैंने आपको बताया, इन का लगाना है, इन टू का लगाना है, एट का लगाना है, वो आपको करना होगा। आपको टू का लगाना, एट का लगाना, ऑफ का लगाना, ऑन का लगाना, इन का लगाना, इन टू का लगाना, विद का लगाना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रपोजिशन सारी आप करेंगे अच्छे से, बिहाइंड भी है, इन फ्रंट ऑफ भी है। अगर आपको इसके मीनिंग पता होंगे ना, आप आराम से कर लोगे। जैसे अमंग है ना, अमंग दो से ज्यादा जनों में बांटने के लिए अमंग यूज किया जाता है, और जब दो जनों में बांटते हैं तो वो बिटवीन यूज किया जाता है। तो ऐसे आप सारे वर्ड की प्रैक्टिस कर लो। राइमिंग वर्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइमिंग वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। टेंसेस भी आपके क्वेश्चन
कोर्स में है तो आपको टेंसेस भी करने होंगे डियर, फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आपको ये करने करने जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप 12 के 12 सारे के सारे कर लो, क्योंकि नीचे और दे रखा है देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो 12 के 12 कर लो। इसमें 12 के 12 में क्या करना है कि इज एम आर, हैज हैव, हैड कहाँ लगाना है, ये सारे रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोएट्री डिवाइस भी आपके कोर्स में आ रही है। पता क्या होता है पोएट्री डिवाइस? एक तरह से अलंकार होते हैं, तो इसमें आपको इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, ये आपको करना है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। यहाँ पे जो इमेजरी और जो यहाँ पर जो आपको ऑडिटरी इमेजरी दे रखी है ना, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको इसमें राइम स्कीम, रिपीटेशन और एलिट्रेशन करने हैं, ये आपके कोर्स में। तो मैं आपको बता दूँ राइमिंग क्या होती है। राइमिंग तो आपको पता है, जैसे बैट कैट बैट। तो अगर स्कीम पूछेगा तो पता है स्कीम क्या होती है? जैसे ये लिखा है बैट, ये लिखा है हैट, फिर नीचे लिखा है बुक, फिर आगे लिखा है टेक, फिर लिखा है कैट, फिर लिखा है टुक। तो मैंने पूछा इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो राइमिंग स्कीम मतलब किसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे बैट की बैट है ना, ऐसे हैट भी बैट की तरह है, तो इसको भी ए बोल देंगे। फिर बुक नया वर्ड आ गया तो इसको बी बोल देंगे, टेक नया वर्ड आ गया इसको सी बोल देंगे, लेकिन कैट पुराने वाले की तरह है इसको ए बोल देंगे, टुक किसकी तरह है बुक की तरह है तो इसको हम बी बोल देंगे। तो आंसर क्या गया, ए ए बी सी ए बी, क्या आ गया, ए ए बी सी ए बी, ये आंसर हो गया। इस तरीके से इसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम। अब वीडियो को दोबारा सुन लेना। रिपीटेशन किसे कहते हैं, जैसे अगर पूरी लाइन में लिखा गया हेल्प हेल्प, दो वर्ड सेम लिखे आ गए, तो उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। और एलिट्रेशन किसे कहते हैं, जब पहला अल्फाबेट सेम होता है, जैसे फार फार फ्रॉम, तो पहला एफ है इसमें भी एफ है इसमें भी एफ है, तो पहला जब अल्फाबेट सेम होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। फिर आपको पैराग्राफ करना है, देखो पैराग्राफ दे रखा है, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा। अ ब्यूटीफुल डे इन विंटर, और आप अ ब्यूटीफुल डे इन विंटर ऐसे स्टार्टर लिखेंगे, वाली वीडियो आ जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बाकी मैं दोबारा भी अपलोड करूंगा, ठीक है। फिर आपको फेयर प्ले करना है, और जो जो यहाँ पे लिखा है सेकंड फॉर्म, प्रपोजिशन, ये कहाँ पर कौन सा लगेगा, आपको मोडास भी करने होंगे, और मोडास में आपको केवल वुड का बोला है। जब हम किससे पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना, दिल से किससे पूछते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, मोडास में वुड का यूज करते हैं। कोई अनरियल की बात करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हम मोडास में वुड की बात करते हैं। तो आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड वर्कशीट बता रखी है, प्रपोजिशन से रिलेटेड बता रखी है, और ये प्रपोजिशन और भी यहाँ दे रखी है, ये सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए, सबके आपको मीनिंग पता होने चाहिए प्रपोजिशन में। आपको एंटोनिम करने हैं, एंटोनिम पता कैसे कहते हैं, अपोजिट वर्ड को बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख कर दे रखा है कौन कौन से एंटोनिम आपको याद करने हैं, जैसे जस्टिस का इनजस्टिस, स्टैंडम का ऑफन, अवॉइड का रिजेक्ट, इस तरीके से ये आपको तीनों दे रखे, हो सकते हैं तीनों आ जाए एग्जाम में। आपको मोडास प्रैक्टिस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको ये करना है, पैराग्राफ आ सकता है इसके ऊपर कि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज होती है, तो आपको ये मार्क कर लो। लेटर कौन सा बता रखा है कि आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी पे, तो बर्थडे पार्टी वाला लेटर आपको करने करना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मेन मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। एक बार ब्रीफली बता दूं लेसन कौन से करने हैं। देखो आपको एक पोएम करनी है, हाउस अ होम, और आपको एक लेसन करना है ये वाला, द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। आपको एक पोएम करनी है द काइट, आपको पोएम एक और करनी है ब्यूटी, आपको एक लेसन करना है फेयर प्ले। देखो जो इसमें लिखी है ना एप्लीकेशन और पैराग्राफ, वही मत करना, और भी कर लेना, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, एनी फेस्टिवल, वैल्यू ऑफ ट्रीज, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड, ये सब अच्छे से कर लेना। माई द पर्सन आई लाइक मोस्ट, जैसे माई मदर के ऊपर आपको कौन सा पर्सन सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये भी आप करना। और एप्लीकेशन में स्टिक लीव कर लेना, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कर लेना, चेंज ऑफ सेक्शन कर लेना, ठीक है,
कि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम चलना चाहते हैं तो फुल फी कंसेशन फीस माफ करने वाला, चलो ये तो इस बार नहीं आने वाला, ठीक है, बाकी आप फिर भी पढ़ लेना ऊपर से अगर पढ़ना चाहो तो। तो मैंने आपसे ब्रीफली सारा एक्सप्लेन कर दिया, राइमिंग वर्ड ग्रामर सारी बता दी पूरी वीडियो में। अब आप अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।